सो फाइनली इंडियन गवर्नमेंट प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं करेगी और अब प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को सेबी रेगुलेट करेगी। और ये भी न्यूज़ निकल कर आ रही है कि अब इन्वेस्टर सिर्फ इंडियन एक्सचेंज जैसे वजीरएक्स, कॉइन स्विच, कुबेर और कॉइन डीसीएक्स पर ट्रेड कर सकते हैं और जितने भी फॉरेन एक्सचेंज और प्राइवेट वॉलेट्स हैं बैन हो सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार कड़े नियम बनाने वाली है जिसमें अगर आप उस रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हो तो आपको 1 साल 6 महीने की जेल और 5 करोड़ से लेकर 20 करोड़ रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। और इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने पार्लियामेंट में कहा है कि क्रिप्टो बिल को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद गवर्नमेंट बहुत ही जल्द क्रिप्टो करेंसी पर बिल पेश करेगी। जब से इंडिया में क्रिप्टो करेंसी बैन, बिल, रेगुलेशन की न्यूज़ आई है तब से मार्केट डिप पर चल रही है। डिप में मार्केट चलने का एक रीज़न इंडिया से जो न्यूज़ निकल कर आ रही है वो हो सकती है। एक रीज़न ये भी हो सकता है जो न्यू कोरोना वायरस आया है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के साथ साथ स्टॉक मार्केट में भी डिप देखने को मिल रहा है। अब रीज़न जो भी हो, इन्वेस्टर इस डिप का फ़ायदा उठा सकते हैं और फ्यूचर के लिए एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी बैन नहीं हो रही है बल्कि सेबी इसको रेगुलेट करेगी और क्रिप्टो को आप एक एसेट्स की तरह यूज़ कर सकते हैं और आप इसे लीगल टेंडर की तरह यूज़ नहीं कर सकते। और जितने भी इंडियन एक्सचेंज हैं उनको अपना रजिस्ट्रेशन सेबी में कराना पड़ेगा और सेबी इन एक्सचेंज को भी रेगुलेट करेगी। और अगर आप इस रूल्स और रेगुलेशन के खिलाफ जाकर क्रिप्टो पर कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। और देखने वाली बात यह है कि जब ये क्रिप्टो बिल आएगा तब मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग और जो भी क्रिप्टो के माध्यम से गलत काम होते हैं उन पर कितनी लगाम लगेगी। इंडिया में क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करना कितना सही और कितना गलत है वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा। बट अगर इंडियन इन्वेस्टर सिर्फ इंडियन एक्सचेंज में ही ट्रेड कर सकते हैं तो क्रिप्टो करेंसी में जो फ्यूचर में आने वाली अपॉर्चुनिटी है उसका फ़ायदा इंडियन इन्वेस्टर नहीं उठा सकते। और ये भी हो सकता है कि इंडियन एक्सचेंज अपनी मनमानी कर सकते हैं। मान लो इंडियन एक्सचेंज अपनी ट्रांजेक्शन फीस बहुत ज़्यादा कर देता है तो इन्वेस्टर क्या कर सकता है। अब तक जितनी भी न्यूज़ क्रिप्टो बिल को लेकर आई है इन्वेस्टर के बारे में कुछ सोचा ही नहीं है। क्रिप्टो करेंसी का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि ये एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है। रेगुलेशन के बाद क्या ये कॉन्सेप्ट बरकरार रहेगा क्रिप्टो करेंसी का, सोचने वाली बात है। कुछ टाइम से क्रिप्टो मार्केट डीप में चल रही है और इसमें इन्वेस्ट करने वाले लॉस में चल रहे हैं। और अगर इसी बीच क्रिप्टो बिल आ जाता है और बिल में आपको इंडियन एक्सचेंज में ही ट्रेड करने को कहा जाता है तो इंडिया के इन्वेस्टर जो फॉरेन एक्सचेंज और प्राइवेट वॉलेट में ट्रेड करके बैठे हैं तो उनको अपनी सारी क्रिप्टो इंडियन एक्सचेंज में ट्रांसफ़र करनी होगी, तो इससे तो इन्वेस्टर को और भी नुकसान होगा। अभी तक तो जो भी न्यूज़ निकल कर आई है कहीं से कहीं तक इन्वेस्टर के हित पर नहीं है, तो हम यही आशा करते हैं जब भी क्रिप्टो पर बिल आएगा उसमें इन्वेस्टर के लिए भी गुड न्यूज़ होगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।